ये व्याख्या कारण और प्रभाव के सिद्धांत की एक अजीब बात की वजह से मुमकिन हो पाई। हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमें यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अतीत में पहले हुई किसी घटना की वजह से होता है। इसलिए हमारे लिए ये मान लेना स्वाभाविक है कि वो चीज यानी शायद ईश्वर के कारण ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं लगता। मैं इसे समझा सकता हूं। आप किसी पहाड़ी की ढलान पर बहती नदी की कल्पना कीजिए। ये नदी कहां से पैदा हुई? शायद बारिश से। ये पहाड़ों पर पहले हुई बारिश से बनी होगी। लेकिन बारिश कहां से हुई? इसका एक अच्छा जवाब है सूर्य। समुद्र पर चमकते सूर्य ने पानी की भाप को आसमान में पहुंचाया, जिससे बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सूर्य क्यों चमकता है? अगर हम गौर करें तो ये हाइड्रोजन के अणुओं के आपस में जुड़कर हीलियम बनने की प्रक्रिया है, जिसे फ्यूजन कहते हैं, और इससे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। अब तक तो ठीक है, आखिर हाइड्रोजन कहां से आई? इसका जवाब है बिग बैंग से। लेकिन ये एक अहम बात है। प्रकृति के नियम हमें बताते हैं कि न सिर्फ ब्रह्मांड प्रोटॉन की तरह अस्तित्व में आया होगा और इसे किसी ऊर्जा की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि ये भी मुमकिन है कि बिग बैंग भी बिना किसी वजह के हुआ हो। बिना किसी वजह के। ये व्याख्या आइंस्टाइन के सिद्धांतों और ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय के बुनियादी रूप से एक दूसरे से जुड़े होने की उनकी अवधारणा पर आधारित है। बिग बैंग के समय एक कमाल की बात हुई थी। उस पल समय का जन्म हुआ था।